सनातन के धार्मिक इतिहास को संजोए राजधानी से कुछ दूरी पर स्थित जनपद बाराबंकी, जहां आज भी ऐसे दिव्य स्थान मौजूद हैं जहां सनातन धर्मियों की आस्था प्रगाढ़ है। भक्तों की आस्था का एक ऐसा ही केंद्र दिखता है तहसील रामसनी घाट के मौगोरपुर गांव में, जहां स्थित दिव्य एवं सिद्ध भैरव बाबा का मंदिर लोगों के आकर्षण का विशेष केंद्र बना हुआ है। मंदिर वर्तमान समय में तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिसके पुनरुद्धार का कार्य तेजी से चल रहा है। मंदिर के बारे में कोई प्राचीन इतिहास तो बताने में नहीं सक्षम है, लेकिन लोगों की आस्था ऐसी है कि बिना सिर झुकाए इस दिव्य स्थान के सामने से कोई निकलता भी नहीं है। हम हर मंगल को आते हैं, हर मंगल को यहाँ मेला लगता है और मंदिर की मानता बहुत है। हाँ, यहाँ बहुत माना जाता है मंदिर को। हमारे भैरवनाथ बाबा जी बहुत माने, काली माता जी का भी मंदिर है और भैरवनाथ बाबा का भी है, और यहाँ पे हम लोग हर मंगल को आते हैं। हाँ, सत्य बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। नमस्कार दोस्तों, द कैमरा 1999 के सफर में आज हम पहुँचे हैं तहसील रामसनेही घाट के एक ऐसे मंदिर पर जो मंदिर काफ़ी प्राचीन है और यहाँ पर जो मान्यता है वो सुनकर आप सभी भी चौंक जाएंगे। तहसील रामसनेही घाट का मऊ ग्राम यानी कि मऊ गांव यहाँ पर जो है, यहाँ पर ठीक हमारे पीछे जो आप देख सकते हैं ये भैरव बाबा का मंदिर है। ये मंदिर जो हमारे ठीक पीछे है ये भैरव बाबा का मंदिर है। वो बताते हैं कि भैरव बाबा की जो मुख्य सवारी थी वो श्वान थी यानी कि कुत्ता थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंदिर पर वही चीज़ चरित्रार्थ भी हो रही है, और यहाँ पर मंदिर के सामने अभी तो यहाँ पर एक ही कुत्ता लेटा हुआ है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में कुत्ते आकर लेटते हैं और यहाँ पर मंदिरों में, मंदिर के अंदर ही इन कुत्तों का निवास होता है। ये आप जो स्थान देख रहे हैं ये भैरव बाबा का वही मंदिर है जिस मंदिर को हम आज आपको दिखा रहे हैं चलचित्रों के माध्यम से। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको हर तरफ कुत्ते कहीं ना कहीं लेटे हुए दिख जाएंगे, और ये वो पूजा स्थल है जिस पूजा स्थल पर यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ तमाम बाहर के लोग भी आते हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, और उनकी आस्था इस मंदिर से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है। सनातन मंदिरों की अगर बात करें तो जो वास्तविकता है, अगर हम इस मंदिर को आपको दिखाएं तो इस मंदिर की जो आप कलाकृति देखेंगे ये आपको स्पष्ट रूप से बता रही होगी कि ये मंदिर काफ़ी पुराना है। यहाँ स्थानीय लोगों से बात करने के उपरांत पता चला कि इस मंदिर का अभी तक कोई प्रमाणित इतिहास नहीं है। मान्यता है यहाँ दूर दराज के कई जिलों के लोग आते हैं और उनके मान्यताएँ पूरी होती है। यहाँ भैरवनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध है, माता काली जी का मंदिर भी है। इसे ऐसी मानता है जो भी यहाँ अच्छे सच्चे मन से आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, इसके बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि यह मंदिर कितना पुराना है। लेकिन इसके साथ ही इस मंदिर की यहाँ की जो मान्यताएं हैं, जो स्थानीय लोगों का कहना है, उनकी मंदिर उनके लिए आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। हम आपको करीब से दिखाएंगे, ये मंदिर है बाबा भैरवनाथ का, यहाँ पर बाबा भैरवनाथ स्थापित हैं। वहीं स्थानीय भक्त गौरव मिश्रा का कहना है कि वह बचपन से इस मंदिर पर आते हैं, वह पहले यहाँ पर अपने पुरखों के साथ आया करते थे, अब जब कभी भी वह कहीं जा रहे होते हैं तो सबसे पहले वह मंदिर के सामने आकर मत्था टेकते हैं। यही नहीं, गौरव मिश्रा का कहना है कि आज तक जो भी सच्चे मन से उन्होंने मांगा है वह उनको मिला है। हम आपको करीब से दिखाएंगे कि इसको यहाँ से दरवाजे को बंद रखा जाता है ताकि मूर्ति को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो सके, और हर समय यहाँ पर जो भक्तों का तांता लगा रहता है वो मंदिर पर कोई ऐसा प्रसाद न चढ़ा सकें या कोई ऐसी चीज़ न लगा सकें जिससे मूर्ति में दिक्कत हो या मूर्ति के जो पवित्रता है वो भंग हो सके। तो ऐसी दशा में इसको सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर दरवाज़ा लगाया गया है। ये जो मंदिर है ये काली माता का मंदिर है, अभी ये बंद है। हम आगे आपको स्टोरी में लगातार दिखाएंगे कि काली माता का जो स्वरूप यहाँ पर स्थापित है, यहाँ पर लोग स्थानीय पूजा करने आते हैं और लगातार उनकी आस्था इन मंदिरों से जुड़ी है। बात कर रहे थे हम मंदिर की, तो यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जो लोग भी अपनी जो भी मान्यता मानते हैं उनकी मान्यता अवश्य पूरी होती है। अब हम आपको मंदिर के चारों तरफ लेकर चलते हैं। वर्तमान समय में यहाँ पर पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार का काम जोरों पर चल रहा है, और काफ़ी एक बड़े प्रांगण में, काफ़ी शांत वातावरण में, जैसा कि आप सभी सुन पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा शांत वातावरण है यहाँ पर। और यहाँ पर लगातार अगर हम आपको दिखाएं तो इस मंदिर की आस्था का एक सबसे जीवंत प्रमाण हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो भी टाइल्स और पत्थर लगे हुए हैं ये यहाँ के जो भी लोग आते हैं जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं वो सभी लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद ये टाइल्स पत्थर को लगवाने का, या कह सकते हैं कि आप दान देते हैं, इस तरह से काम करते हैं। एक और प्रमाण अब हम आपको दिखाएंगे कि इस मंदिर प्रांगण के चारों ओर जिस पत्थर पर वर्तमान समय में हम चल रहे हैं, तो आप अगर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर तमाम लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो इस मंदिर के लिए दान करते हैं और लगातार इस मंदिर के लिए दान देते चले आ रहे हैं।
अगर इस पूरे मंदिर प्रांगण भर की बात करें तो इस पूरे मंदिर प्रांगण भर में ऐसे पत्थरों की भरमार है और जिनकी संख्या करना भी संभव नहीं है। यहाँ से लेके हर तरफ तक ये पत्थर लगे हुए हैं, शिलापट लगे हुए हैं। आप अगर प्रमुख द्वार पर देखेंगे तो प्रमुख द्वार पर भी यही शिलापट मौजूद हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लोगों की जो आस्था है वो बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है और तमाम सनातनी यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार को पहुँचते हैं, अपना यहाँ पर मांग मानते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और काफ़ी ज़्यादा आस्था है। मंदिर प्रांगण में काली माता की मूर्ति भी स्थापित है और मंदिर के आसपास का वातावरण न सिर्फ दैवीय है बल्कि मन को अनेक चिंताओं से दूर करने वाला है। मंदिर के पुजारी से हमने बात की तो पता चला कि इस स्थान पर न सिर्फ जनपद के बल्कि दूर दराज के जनपदों से भी लोग दर्शन करने आते हैं और मनोती पूर्ण होने पर मंदिर में पत्थर लगवाते हैं। यहाँ पर मंदिर के स्थानीय पुजारी जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस मंदिर के संबंध में क्या मान्यता है। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये मंदिर काफी प्राचीन लग रहा है, क्या इतिहास है इस मंदिर का और क्या यहाँ की स्थानीय मान्यता है? मंदिर काफी प्राचीन है, इसकी सही जानकारी तो है ही नहीं। ठीक है, अब अंदाज़ा लगावा जा कि 300 से 350 साल पुराना, कोई क्लियर लिखा पढ़ी नहीं। और बाकी प्राचीनता जो रही के तो इसका इतना महत्व है क्षेत्र में कि दूर दूर से लोग आवत हैं, कम से कम 20-25 जिलन के लोग यहाँ पहुँचे। उनकी सबकी मान्यताएं पूरी, मान्यता जिनकी पूरी हुआ, जितना जो हजारन पत्थर धरा जिनके काम पूरा हुआ तो एक पत्थर लगवा होता लोगों की तमाम आस्था। अच्छा, मेले का आयोजन यहाँ पर होता है? मेले हुआ है, अषाढ़ में लगत है, जेठ में लगत है और उधर होली में प्रोग्राम 2 दिन रहा है। आप तो यहाँ के पंडित जी, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि यह इस मंदिर से जुड़ी तमाम लोगों में आस्था है और सिर्फ बाराबंकी ही नहीं बल्कि आसपास के 20-25 जिलों के लोग यहाँ पर आते हैं और जिनकी मान्यता पूर्ण होती है इस मंदिर में भेंट स्वरूप अपने नाम का शिलापट या पत्थर भेंट करते हैं। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 1999 के लिए अंकित वर्मा और के साथ नितेश मिश्रा।